तो सौरभ जोशी का जो असल चेहरा है, जो असल उनका व्यक्तित्व है, वो टेक चैंपियन सपोर्ट अंशु मौर्या ने जो है बिल्कुल एक्सपोज कर दिया है। और आज के ब्लॉग में भी सौरभ जोशी ने रिक्वेस्ट करके कहा है कि उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखो, उनके साथ वीडियो बनाने मत आओ। और सौरभ जोशी ने आज के ब्लॉग में भी ये कहा है कि उनकी वजह से एक सब्सक्राइबर का मोबाइल टूट गया, उनकी गाड़ी का पीछा मत करो, किसी की मौत हो सकती है, कोई मर भी सकता है उनका पीछा करने से। तो इतने सारे बहाने बनाए उन्होंने ना मिलने के, तो सौरभ जोशी को उसकी औकात दिखानी है। मैंने तो उसका चैनल अनसब्सक्राइब कर दिया है, तो आप सभी उसका चैनल अनसब्सक्राइब करो, उसके यूट्यूब चैनल को बायकॉट करो और टैग चैंपियन सपोर्ट को सपोर्ट करो, क्योंकि टैग चैंपियन सपोर्ट ही छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हैं, वरना कोई भी यूट्यूबर किसी भी यूट्यूबर को सपोर्ट नहीं करता है। और टैग चैंपियन सपोर्ट भी कोई छोटा यूट्यूब चैनल नहीं है, वो भी बहुत बड़ा यूट्यूब चैनल है और छोटे छोटे यूट्यूबर को गाइड कर रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है, तो सौरभ जोशी से कहीं बेहतर। और टैग चैंपियन सपोर्ट की सौरभ जोशी ने जो इंसल्ट की है ना, उसका सभी को बदला लेना है, इसलिए सौरभ जोशी को बायकॉट करो। भले ही सौरभ जोशी के 18 मिलियन सब्सक्राइबर हो या 20 मिलियन सब्सक्राइबर, लेकिन सौरभ जोशी को वाच तो छोटे यूट्यूबर ही करते हैं। और जब वो टैग चैंपियन सपोर्ट जैसे यूट्यूबर का इंसल्ट कर सकता है, तो छोटे यूट्यूबर से तो वो क्या ही मिलेगा। तो सौरभ जोशी को जो घमंड है ना उसके मिलियन में सब्सक्राइबर और मिलियन में डेली के व्यू, तो उस पर इतना घमंड हो गया है ना उसको कि वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा अपने सामने, किसी भी यूट्यूबर को वो कुछ समझता ही नहीं है।